good morning. i'm dr. sanjay jain, associate professor in mathematics at spc government college ajmer. today, i'm taking lecture on inventory theory. earlier, we are taking four lecture on inventory theory, in which we are discussing introduction in two topics two lecture then in third lecture we are taking one model initial model and in second lecture we have taken second model of inventory today we are taking a new model of inventory or third type of model Without shortage, in which production is instantaneous. EOQ, first C model we are taking. Okay. In this model, some basic assumptions are given here derive its eoq formula minimum average cost formula and cost equations what are the things which we have to assume in that model here demand is at uniform rate r यूनिट ऑफ क्वान्टिटी पर यूनिट टाइम सो डिमांड इज़ यूनिफॉर्म हेयर इन द अर्यर टू मॉडल डिटर्मिनेस्टिक डिमांड इन बोथ ऑल द मॉडल बट हेयर डिमांड इज यूनिफॉर्म रेट अर्थात मांग की एक समान दर आर इकाइयाँ प्रति इकाई समय है जो सेकंड एजूमशन है वो पहले दो मॉडल से आपको डिफर दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्शन रेट के है जो डिमांड रेट आर से बड़ा है साथ के साथ फाइनाइट है अभी तक पिछले दो मॉडल में हमने प्रोडक्शन रेट पढ़ा था वो इनफाइनाइट था हमेशा हमारे पास सामान अवेलेबल था हमें जितना चाहिए था मिल जाता था यहाँ फाइनाइट है इसका मतलब प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलेगा इसलिए प्रोडक्शन रेट के हमेशा आठ से बड़ी रखेंगे ताकि शॉर्टेज आए ही ना शॉर्टेज वाला मॉडल बने ही ना कि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपकी डिमांड को सेटिस्फाइड कर पा रहा है ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड चेंज इन दिस मॉडल फ्रॉम फर्स्ट टू मॉडल्स शॉर्टेज आर नॉट अलाउड मीन्स शॉर्टेज की जरूरत ही नहीं है सी टू हमेशा ज़ीरो होगा लीड टाइम भी जीरो होगा क्योंकि शॉर्टेज है ही नहीं तो ऑर्डर देते ही ऑर्डर माल मिल रहा है तो उसके बीच का समय जीरो हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट को हम सी वन से डिनोट करते हैं सेटअप कॉस्ट को सी थ्री से और शॉर्टेज कॉस्ट सी टू ज़ीरो है ओके okay. इस तरह का मॉडल है इस मॉडल में जो मेन डायग्राम uh, हमें समझना है पहले हम उस पर आ रहे हैं फिर ये डेरिवेशन पे जाएंगे ये आप समझें एक जिससे आपने को क्लियर होगा यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कैपिटल क्यू आपको अवेलेबल हो रही है और एक्चुअली ये धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो रही है और साथ के साथ सेल भी चल रही है ओके okay? सेल uh, चलने से आपको धीरे धीरे माल प्राप्त हो रहा है आपकी इंस्टेनस प्रोडक्शन के चल रहा है उसमें से आपकी डिमांड आर चूँकि के बड़ा है आर से इसलिए के माइनस आर तक आपका प्रोडक्शन चल रहा है और आप सामान बेचते जा रहे हैं और एम बिंदु पे आके आपका प्रोडक्शन खत्म हो जाता है कैपिटल क्यू आपके पास टोटल अवेलेबल हो जाता है ओके के माइनस आर उस प्रोडक्शन में से घटता जाता है अब जो आपके पास एम पॉइंट के बाद आपको सिर्फ़ माल बेचना आपके पास माल सारा आ गया है ओके okay? तो आप जो ये ओ एम एन वाला ट्रायंगल है इसको अगर आप डिजेबल कर दें तो आप देखेंगे वापस आपका फर्स्ट और सेकंड जैसा मॉडल आ गया इनिशियल आपके पास क्यू अवेलेबल है और उसमें से ये आर खत्म होता जा रहा है ओके लेकिन यहाँ पे विथ प्रोडक्शन है ये तो प्रोडक्शन में से आर आप पहले बेच रहे हो एम बिंदु पे आके आपके पास टोटल प्रोडक्शन क्यू हो गया जिसमें से के माइनस आर आप बेच चुके हो और उसके बाद आर यूनिट आप और यहाँ चल रही है आपकी एम से लेके ए तक तो प्रोडक्शन चल रहा है जब तक आपका टाइम है टी वन प्रोडक्शन टोटल आपको मिल गया उसके बाद आपका टाइम है टी टू से एन तक टी वन है जिसमें प्रोडक्शन चल रहा है और एन से ए तक टी टू समय है जिसमें प्रोडक्शन आपको कंप्लीट मिल गया है और आपकी सेल होती जा रही है और इसलिए धीरे धीरे कम हो रहा सामान और ए बिंदु पे आके आपका ख़त्म हो जाता है और ए बिंदु पे आपका वापस प्रोडक्शन शुरू होता है जो फिर टी वन तक जाता है ऊपर तो इस तरीके से अपने पास ये प्रोडक्शन के साथ वाला मॉडल है दो तरह के इसमें आप ट्रायंगल देख रहे हो पहले वाले दोनों मॉडल में एक ही ट्रायंगल आपको मिलता था इनिशियली आपके पास पूरा क्वांटिटी होता था उसमें से आप बेचते थे या सेल करते थे या कम होता था आज ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दो अलग अलग तरह की साइकिल है टी एंड टी टू में प्रोडक्शन चल रहा है टी में आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ टी में सेल भी चल रही है टी में केवल सेल चल रही है प्रोडक्शन आपको कम्प्लीट मिल चुका है ओके okay, तो यहाँ T1 वन प्लस टी टोटल मिलके T कहला रहा है जो आपकी एक साइकिल है और एक ट्राइंगल है वो है ओ एम ए जिसमें प्रोडक्शन भी चल रहा है और सेल भी चल रही है और प्रोडक्शन पूरा मिलने के बाद सेल भी हो रही है तो ये एक नया इस मॉडल में चेंजेस है पहले दो मॉडल से जिसे हमें समझना था विथ प्रोडक्शन प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी सेल हो रही है और प्रोडक्शन पूरा मिलने के बाद आपका फिर सेल चल रहा है तो ये इन्वेंट्री मॉडल हमारा नए तरह का है इसमें हम वापस हमारे इस डायग्राम मेन एग्जुम्शंस में आ रहे हैं मान्यता दो एजुम्शन दो में प्रति इकाई समय में उत्पादित वस्तुओं की संख्या के ग्रेटर देन आर है ये हमको पता है यदि प्रति उत्पादन चक्र में उत्पादित वस्तुओं की संख्या क्यों हो तो उत्पादन काल चल रहा है टी वन जो हमारा है अभी हमने डिस्कस किया था डायग्राम में टी वन जब तक प्रोडक्शन चल रहा है तो वो जो टी वन है वो क्या होगा क्यू यूनिट इसमें आपको मिल रही है और के टोटल यूनिट है तो क्यू बाई के आपका उत्पादन काल में लगने वाला समय हो गया तथा तो एक पूर्ण उत्पादन चक्र का समय पूरा चक्र का समय आपका टी जो दिया है वो क्या है टी वन प्लस टी टू प्रोडक्शन भी चल रहा है और सेल भी चल रही है और ये प्रोडक्शन एक, एक जगह के रुक गया है और आपकी सेल कंटिन्यू चल रही है उस समय में जो समय है टी वो क्यू अपॉन आर हो जाएगा तो ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल में काम आ रहे हैं जिससे हम टी वन और टी की वैल्यू निकाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टी वन और टी हमारे काम में आएंगे ये हमने पिछले मॉडल में भी निकाला है टी वहाँ एक ही टी होता था एक साइकिल का यहाँ साइकिल में अलग अलग तरह की साइकिल होने से प्रोडक्शन साइकिल और प्रोडक्शन स्टॉप होने के बाद सेलिंग साइकिल होने से टी वन प्लस टी टू बराबर टी है ओके तो यहाँ पर जो हमारी कुल टोटल इन्वेंट्री या प्रोडक्शन है क्यू वो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इनिशियल फेज में आप कितना दे रहे हो ये वापस से एक बार हम देख रहे हैं ये वाली जो चीज आपकी के माइनस आर पहला ट्राइंगल देख रहे हैं हम ओ एम एन ओके इसमें के माइनस आर है कितने समय तक है टी वन समय तक तो के माइनस आर टी वन इन्वेंट्री आपके पास रहेगी तो क्यू जो है आपका टोटल यूनिट वो किसके बराबर होना चाहिए के माइनस आर टी वन के अगर सारा मिल जाए और सारा बिक जाए तो ओके यहाँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया के टी वन माइनस आर टी वन ओके के टी वन किसके बराबर है पहली से इक्वेशन से क्यू के सो इट इट कैन बी रिटर्न क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू माइनस आर टी वन के टी वन की जगह हमने क्यू रख दिया है ओके और आर और टी वन की जगह हमने वापस से अगले टर्म में क्यू बाई के रखा है ताकि ये पूरा फंक्शन किसका बन जाए क्यू का हमने पहले भी टोटल इक्वेशन बनाते थे तो सी क्यू बनाते थे ओके यहाँ पे क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू कॉमन ले लिया तो ये रहेगा वन माइनस आर के आर बाई के ओके सो दिस इज द उत्पादन समाप्ति पर तालिका स्तर क्यू हो तो क्यू की वैल्यू ये होगी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्मॉल क्यू वन माइनस आर बाई के ये हम आगे काम में लेंगे सो so, यहाँ पे ये डायग्राम मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ फिर एक बार बता देता हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमें पूरा इन्वेंट्री मॉडल समझ में आएगा बिंदु ओ से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और प्रोडक्शन चलते चलते हमने सामान बेचना शुरू कर दिया है टोटल प्रोडक्शन क्यू का होता है एक साथ नहीं होने से एम तक हम जा रहे हैं जब तक के माइनस आर की हम सेलिंग कर रहे हैं और ये मानते हुए कि केक का माल हमको मिल गया है स्मॉल के का और एम बिंदु पे तक हमें पूरा क्यू मिल गया है इसलिए एन एम या एम एन का जो स्तर है वो हमने क्यू दिखा रखा है और शेष एम के बाद प्रोडक्शन बंद हो गया है और हमें सिर्फ सेल मिल रही है जो माल हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको हम आर डिनोट कर रहे हैं आर की सेल हो रही है तो ये पूरा डायग्राम है इसमें दो साइकिल हो गई टी वन टी टू T1 वन प्रोडक्शन का है T2 टू ओनली सेल का है तो यहाँ पर अब हम समय T में तालिका की भंडारण लागत C1 वन इन टू क्या हो जाएगा जैसे हमने पहले मॉडल्स में किया था पहले मॉडल्स में हमने किया था ट्रायंगल का एरिया लेते थे यहाँ दो तरह के ट्रायंगल हैं तो हम पूरा ले रहे हैं ओ एम ए का क्षेत्रफल ओ एम और ए का क्षेत्रफल ओके ओ एम ए का क्षेत्रफल कितना होगा ट्रायंगल का इसका जो हाइट है वो कितना है कैपिटल क्यू और जो बेस है वो कितना है टी वन प्लस टी टू जिसको हमने टी कहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ क्यू टी तो हमने यहाँ देखिए आप इक्वेशन चार जो हम जब हम बना रहे हैं तो हम यही लिख रहे हैं सी वन इंटू ट्राइंगल का एरिया हाफ टी क्यू और जो हमने पिछली स्लाइड में क्यू की वैल्यू निकाल रखी थी कैपिटल क्यू की वो हम यहाँ रख रहे हैं वापस जो समीकरण तीन में थी पिछले स्लाइड पे वो हम वापस यहाँ रख रहे हैं और इससे हमें ये इक्वेशन मिल गई है चार जो पूरी की पूरी स्मॉल क्यू के अंदर है सेटअप कॉस्ट हमारी सी थ्री है ओके okay, तो हमें चार और पाँच से दो तरह की कॉस्ट मिल गई है टोटल कॉस्ट के लिए क्या होगा हम चार और पाँच को जोड़ देंगे पिछले मॉडल्स की तरह तो यहाँ पर हमने चार और पाँच को ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन छः मिल गया जिसको हम सी क्यू से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा फंक्शन किसका है क्यू का इसके बाद हम पिछले मॉडल में क्या करते थे प्रति इकाई लागत निकालते थे उसके लिए टी का भाग देते थे ओके यहाँ भी हम टी का भाग दे रहे हैं पर टी बराबर हमारा क्या था क्यू बाई आर तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टी का भाग देने की जगह आर बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या वन बाई टी कर रहे हैं जैसा भी आप समझें तो हमने वही काम यहाँ पे किया टी का भाग दिया या आर बाई क्यू से मल्टीप्लाई किया तो समीकरण सात जो है हमें मिली है सी क्यू इज इक्वल टू सी थ्री आर बाई क्यू प्लस हाफ क्यू सी वन वन माइनस आर बाई के ये हमारी प्रति इकाई कुल लागत हो गई है ओके सो ये समीकरण हमारा अब आगे काम आएगा पहला मॉडल से कुल लागत समीकरण निकालने का तरीका ये था इस वाले मॉडल का अब हम इससे मैक्सिमा मिनिमा करके ये निकालते हैं कि हमारा यो क्यू कितना होगा ओके okay, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम कैलकुलस मेथड काम में ले रहे हैं और क्यू को न्यूनतम या अधिकतम होने के लिए हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो कर रहे हैं क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके तो यहाँ जब हम क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर रहे हैं तो हमें जो टर्म मिल रही है उससे हमें क्यू की वैल्यू मिल रही है वो है अंडर रूट टू सी थ्री अपॉन सी वन मल्टीप्लाइड बाई आर के अपॉन के माइनस आर सो दिस इज़ एन वैल्यू ऑफ क्यू अभी हमें ये नहीं पता है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है हम इसका सेकंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक बार फिर क्यू के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्यू के साथ जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी टू सी थ्री आर अपॉन क्यू क्यूब मिल रहा है कॉन्स्टेंट नहीं है क्यू इन्वॉल्व है इसमें क्यू क्यूब मिल रहा है जो आठ से प्राप्त क्यू के मान के धनात्मक है एट में आप देखेंगे कि ये जो टर्म है वो कैसी है जीरो हो रही है तो जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पे ये कैसी आ रही है इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है क्यों जीरो से बड़ा है पॉजिटिव बढ़ रहा है जो सामान आपने बेचा है ओके क्योंकि शॉर्टेज यहाँ है नहीं इसलिए क्यूँ पॉजिटिव है अगर शॉर्टेज वाला मॉडल होता तो क्यू मे भी नेगेटिव ये आप यहाँ ध्यान रखें यहाँ नहीं लिखा है किताबों में कि क्यूँ क्यों पॉजिटिव है तो इसलिए ये टू सी थ्री आर अपॉन क्यू क्यूब क्या होगा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेकेंड डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होने के कारण जो सी में बरा क्योंकि जो वैल्यू हमने ली थी फर्स्ट इससे जीरो करके डिफ्रेंशिएशन को वो कैसा होगा न्यूनतम मान होगा अधिकतम नहीं होगा अगर ये नेगेटिव आता तो अधिकतम होता ये पॉजिटिव होने पे ये न्यूनतम मान होगा इसलिए Q स्टार हम कह सकते हैं इसको ई क्यू भी कह सकते हैं सो ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा ये का यही अंडरवुड टू सी थ्री अपॉन सी वन ब्रैकेट में आर के अपॉन के माइनस आर एंड ब्रैकेट क्लोज सो दिस बिकम आवर ई ओ क्यू फॉर्मूला फॉर दिस मॉडल अब हमें अगर टी स्टार चाहिए तो मैंने पहले भी कहा था जब भी हमें स्टार वाला कोई भी टर्म चाहिए तो हमें फॉर्मूले में स्टार ही लेना पड़ेगा तो यहाँ टी स्टार को हम लिख सकते हैं क्यू स्टार अपॉन आर और Q स्टार की वैल्यू ऊपर से रख देंगे हम और R जो है रूट के अंदर जाके R स्क्वायर बन जाएगा R स्क्वायर बन के ये वैल्यू आ जाएगी एक R के से R कट जाएगा एक R नीचे डिनोमीटर में रह जाएगा तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा अंडर रूट टू सी थ्री के अपॉन सी वन आर के माइनस आर ये टी स्टार का फार्मूला बन गया जिसे हम इष्टतम समय अंतराल सूत्र भी कहते हैं ओके अब इसके बाद C मिनिमम तो C जो कॉस्ट इक्वेशन थी हमारी उसमें हर जगह क्योंकि जगह क्यू स्टार रख देते हैं हम तो हमें C मिनिमम मिल जाता है और C मिनिमम बराबर हो जाएगा अब हमारा अंडर रूट टू सी वन सी थ्री आर वन माइनस आर बाई के तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C मिनिमम का ओके सो so, इस तरीके से हमने आज इंस्टेनियस प्रोडक्शन का थर्ड सी जो मॉडल था हमारा विदाउट शॉर्टेज का उसके फार्मूले के उसके मॉडलिंग करके उसके फार्मूले हमने डेराइव किए हैं तीनों ई ओ क्यू ई ओ क्यू का समय टाइम टी स्टार और सी मिनिमम तो इस तरीके से हमने आज ये मॉडल डेवलप किया और उसके फार्मूले डेवलप किए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं एक ठेकेदार को एक स्वचालित निर्माता को दस हज़ार बेरिंग की प्रतिदिन पूर्ति करनी है तो टोटल जो आपकी डिमांड है के बराबर या आर बराबर वो है दस हज़ार बैरिंग प्रतिदिन ये आपकी डिमांड देनी है प्रतिदिन की है ये ध्यान रखिएगा एक बार उत्पादन चक्र में प्रतिदिन पच्चीस हज़ार बैरिंग का उत्पादन होता है यहाँ से अब आप देख सकते हैं पच्चीस हज़ार दस हज़ार से बड़ा है के इज़ ग्रेटर देन आर ओके सो जब तक प्रोडक्शन होगा आप बेच सकते हैं और एक जगह आके जब पच्चीस हज़ार हो जाएंगे तो आप सिर्फ बेचना शुरू कर देंगे तो आपका यहाँ पे के बराबर हो जाएगा पच्चीस हज़ार आर बराबर दस हज़ार एक बैरिंग की एक वर्ष की भंडारण लागत C1 वन कॉस्ट दे रखिए आपको दो पैसे और उत्पादन चक्र की व्यवस्था लागत दे रखी है आपको अट्ठारह रुपये आप एक डिफरेंस यहीं से नोट कर लें ये पढ़ते समय नोट हो जाना चाहिए एक कॉस्ट पैसे में दी हुई है एक कॉस्ट रुपए में दी हुई है हमें जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है यूनिट एक जैसी बनानी है उत्पादन चक्र को कितनी जल्दी चलाया जाए उत्पादन चक्र जानना चाह रहे हैं टाइम कितना जल्दी टी स्टार जानना चाह रहे हैं ये ओके तो जो जो हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे के हमको पच्चीस हजार बेरिंग प्रतिदिन है आर जो हमको चाहिए बेचने के लिए वो दस हज़ार बैरिंग प्रतिदिन चाहिए सी वन जो है हमारा दो पैसा प्रतिवर्ष प्रति बैरिंग है इसको हम पैसे को रुपए में बदल रहे हैं और प्रति वर्ष को हम प्रति दिन में बदल रहे हैं ओके तो ये पैसे को रुपए में बदलेंगे तो सौ का भाग दिया है और साल को दिन में बदलेंगे तो तीन सौ पैंसठ का भाग दिया है और ये करके हमको इतने रुपए प्रति बैरिंग के हिसाब से आ गया है अब हमारा जो जो भी फॉर्मूला था क्यू स्टार सब वैल्यू हमको दी हुई है इसमें सब्सटूट कर देंगे तो हमारे पास एक लाख चार हजार छः सौ बयालीस बैरिंग क्यू स्टार का वैल्यू आएगा और जो टी स्टार होता तो है वो क्या होता है क्यू स्टार अपॉन आर तो क्यू स्टार अपॉन आर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है टेन पॉइंट फोर सिक्स पर डे ओके तो हमें दस पॉइंट छियालीस दिन में चक्र को वापस चलाना चाहिए प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारा शॉर्टेज वाला मॉडल नहीं बने ये जब तक हम 10.46 दिन तक हम हमारे मॉडल को दोनों साइकिल चला सकते हैं टी वन टी टू ओके और टी टू जो ही एंड होगा 10.46 दिन के बाद हमें तुरंत वापस प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा तो ये हमारा इस मॉडल का क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसमें प्रोडक्शन के साथ साथ ये भी चल रहा है मॉडल ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल से हम एक शॉर्ट विद शॉर्टेज वाले मॉडल लेंगे आज हमने तीनों मॉडल ले लिए हैं विदाउट शॉर्टेज वाले फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी उन पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल ले लिए हैं तो आज हमारा पहला फेज इन्वेंट्री विदाउट शॉर्टेज पूरा हो गया है नेक्स्ट टर्न पे हम इन्वेंट्री विथ शॉर्टेज वाला मॉडल लेंगे सो थैंक यू